वोट डूबता रहा, गोताखोर सौदा करते रहे, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग का डेप्यूटी डायरेक्टर गंगा में डूब रहा था और गोताखोर उसे बचाने के बदले में 10,000 मांग रहे थे। ये सौदेबाजी इतनी देर वहां पर चली कि डेप्यूटी डायरेक्टर गंगा की लहरों में खो गया। एक रिपोर्ट आपको दिखा दें। जगह कानपुर का नाना मऊ घाट, समय सुबह के 6 बजे, तारीख 31 अगस्त 2024। ये उफान मारती गंगा की लहरें हैं और ये कानपुर का नाना मऊ घाट है। इसी घाट पर हेल्थ विभाग के डिप्टी डायरेक्टर आदित्य वर्धन के डूबने से हड़कंप मचा हुआ है, जिनकी तलाश में इस वक्त NDRF से लेकर SDRF की टीम लगी हुई है। उत्तर प्रदेश के बनारस में तैनात हेल्थ विभाग के डिप्टी डायरेक्टर आदित्य यशवर्धन यहीं पर डूबे थे और आपको बता दें कि SDRF की टीम यहां पर पहुंच चुकी है और अभी कुछ ही देर में यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। कल 2 बजे से लेकर 6 से 7 बजे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। अब फिर व्यवस्थाएं की जा रही हैं, स्टीमर बनाया जा रहा है। साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि SDRF की टीम पूरी तरीके से तत्परता से लगी हुई है। यहां पर SDRF की 2 टीमें लगाई गई हैं और कल तकरीबन बताया जा रहा है कि 7 से 8 किलोमीटर तक की दायरा नापा गया है। कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। यहां पर कई लोग हैं, आप देख सकते हैं कि SDRF की पूरी टीम यहां पर लगी हुई है। आदित्य वर्धन वाराणसी में हेल्थ विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर तैनात थे, जो शनिवार को अपने 2 दोस्तों के साथ गंगा के इसी नानामऊ घाट पर नहाने आए थे। लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि आदित्य वर्धन का पैर फिसल गया और देखते ही देखते गंगा की लहरों में फंस गए। डिप्टी डायरेक्टर को डूबता देख उनके दोस्तों ने मदद की गुहार लगाई। एक दोस्त प्रदीप तिवारी मदद के लिए गोताखोरों के पास पहुंचा, लेकिन गोताखोर जान बचाने के बदले सौदा करने लगे। गोताखोरों ने आदित्य वर्धन को डूबने से बचाने के लिए 10,000 रुपए मांगे। उस वक्त उनके पास इतना कैश नहीं था। आनन फानन में पैसा मोबाइल के जरिए ऑनलाइन किसी शैलेश कश्यप के खाते में ट्रांसफर किया गया। लेकिन जब तक पैसा ट्रांसफर हुआ, तब तक आदित्य वर्धन गंगा की लहरों में लापता हो चुके थे। अगर गोताखोर सौदा ना करते और जरा भी इंसानियत दिखाते तो आदित्य वर्धन डूबने से बच जाते। जिस खाते में पैसे ट्रांसफर किए उसके स्क्रीनशॉट्स में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जिस वक्त पैसे ट्रांसफर किए उस वक्त सुबह के 6:40 हो रहे थे। यानी ये घटना सुबह 6 बजे के बाद की है, तब नदी किनारे ज्यादा लोग नहीं थे। इंसानियत मर गई, संवेदनशीलता मर गई। बताया यह जा रहा है कि जब आदित्य वर्धन यहाँ पर डूब रहे थे तो उनके दोस्त पहुँचे गोताखोरों के पास कि बचा लीजिए। वो देख रहे थे कि इनको बचाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो गोताखोर मौजूद थे वो पैसों की डिमांड कर रहे थे। जब तक कि उनको पैसा नहीं मिला तब तक वो गंगा में डुबकी नहीं लगाए, लेकिन जब उनको 10,000 रुपये दिया गया उसके बाद वो गंगा में डुबकी लगाए, तब तक आदित्य वर्धन डूब चुके थे। जिस शैलेश कश्यप के खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए थे, ABP न्यूज संवाददाता जितेंद्र मिश्रा ने उससे भी बात की, जिससे पता चला कि गोताखोरों की दिलचस्पी आदित्य वर्धन को बचाने से ज्यादा पैसे में थी। पहले 2 लोग कूदे थे गंगा जी में, उन्होंने गंगा जी कूदे, उनको बॉडी भी नहीं मिली। तो बाद में ये हुआ कि भाई अब ऐसे ने 5-6 लोग 10-12 लोग इकट्ठा किया जाए तो बॉडी मिलेगी। तो उन लोगों ने बात की, मतलब भैया से किसी आगे, हम दुकान पे थे तो मतलब पैसों की बात हुई तो उनके हार्ड कैश था नहीं, तो कहने भाई दुकान पे इसका लगा इनकी खाते पे कर दो, तो उन्होंने हमारे खाते पे ट्रांसफर कर दिए। आपसे कोई नहीं, हमसे को मिले, हमको हम दुकान पे खाते में ट्रांसफर कर दिए, तो फिर इसके बाद हम अपना चले गए दीदी के यहाँ। अच्छा, आपने पैसे वापस कर दिए? पैसे मुझे वापस कर दिए उनके। किसने कहा था कि पैसे वापस कर दीजिए? मतलब यही, मतलब हमारे यहाँ मतलब श्री कनकटिया विधायक जी आए थे, उन्होंने कहा था मतलब उनके पैसे वापस कर दीजिएगा। आपकी जानकारी में नहीं था कि पैसे किस लिए आया है, क्यों आया? नहीं, पैसे मतलब गोताखोरी लिया था, मतलब जो मेहनताना कर रहे हैं, गोताखोरों ने कहा जो मेहनत कर रहे हैं उनके लिए पैसा उन्होंने भैया ने दिया था कि मतलब जल्दी से ढूंढ दो। इस पूरी घटना ने हर किसी को अंदर से हिला दिया है। क्या 10,000 रुपए किसी की जान से ज्यादा है?
और उससे भी बड़ी बात ये, क्या गोताखोर आदित्य वर्धन को बचाने के बाद पैसे नहीं ले सकते थे? क्योंकि कानपुर में नानामऊ घाट पर सिर्फ एक इंसान नहीं डूबा, पूरी की पूरी इंसानियत ही डूब गई है।